हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। पिछले वीडियो पे हमने चर्चा की थी कि नेक्स्ट वीडियो पे हम भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की कुंडली पे चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में दोनों राष्ट्रों के बीच में काफ़ी तनातनी है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर या मीडिया वाले, खासकर मीडिया वाले, तो वेपन लेके उतर आए हैं, बस उनको आज्ञा दीजिए और लड़ाई छेड़ देंगे। तो मीडिया ने बहुत खौफ बना रखा है और बढ़ चढ़ के एक दूसरे की, हर जगह की मीडिया अपने देश को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रही है। देखिए, भारत और चाइना की कुंडली दोनों अलग अलग हैं और नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग कुंडली अलग अलग है। आज हम भारत और चाइना की कुंडली पर चर्चा नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट देश होता है, किंतु जो देश का सेनापति होता है, देश का सर्वे सर्वा होता है, उसकी कुंडली बहुत असर करती है। किसी भी संस्था का जो मुखिया होता है, उसके कुंडली पे ग्रहों का जो असर पड़ेगा, उस संस्था पे असर पड़ेगा, ठीक। भारत तो एक ही है, यहाँ पे तरह तरह के राजा आए, उनके समय में व्यापक रूप से आक्रमण हुए। कुछ राजाओं ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, कुछ राजाओं ने पराजय स्वीकार कर ली। देश तो वही है। तो आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी जी कुंडली और जी जिनपिंग कुंडली। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और चाइना की मकर लग्न की कुंडली है। अगर दोनों का कुंडली का स्तर देखें ना, तो चाइना की कुंडली बेहतर है, जहाँ कुंडली के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। तो जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी चूँकि सेना नायक हैं, दोनों राष्ट्र के सर्वे सर्वा हैं और दोनों की कहानी लगभग एक सी है। दोनों गरीबी से उठ के आए हैं, दोनों ने संघर्ष किया है और दोनों को अपने अपने राष्ट्र में व्यापक समर्थन प्राप्त है। हम चूँकि भारतीय हैं, तो हमें ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अरे चीनी है वो कुछ को नहीं कर पाएगा, या चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत सी बातें हो रही हैं। यही बातें चीन में हमारे देश के खिलाफ भी हो रही हैं। तो वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुंडली आपको पता है, 17 सितंबर 1950 11 और 11:30 के बीच में मेहसाणा गुजरात। जी जिनपिंग की कुंडली 15 जून 1953 लगभग 11:45 से 12 बजे दिन में बीजिंग में। जी जिनपिंग की जो कुंडली बन रही है, आप इसको बना के देख लीजिए, यहीं पे वीडियो रोक के आप कुंडली बना लीजिएगा, फिर देखते जाइएगा। जी जिनपिंग की कुंडली जो बनेगी, सिंह लग्न की कुंडली बनेगी, सेकंड हाउस में सैटर्न है, वाणी के घर में शनि है। सेकंड हाउस का सैटर्न व्यक्ति को झूठा बनाता है, बात कब वो दे के पलट जाएगा कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए जी जिनपिंग पर्याप्त मात्रा में झूठ बोलेंगे, पर्याप्त मात्रा में झूठी बातें करेंगे। सिक्स्थ हाउस में राहु है, शत्रुघ्नता योग बनाता है। छठवें का राहु शत्रुघ्नता योग बनाता है। नवम भाव में शुक्र है, दशम के स्वामी नवम भाव में, दशम भाव में पंचम के स्वामी जुपिटर बैठे हैं, एकादश भाव में मरकरी सूर्य बुधादित्य योग में बैठे हुए हैं, साथ में मंगल भी बैठा हुआ है। द्वादश में चंद्रमा बैठे हैं केतु के साथ ग्रहण योग लगा के। डिग्री वाइज देखें तो सूर्य 2 डिग्री का, मंगल 9 डिग्री का, मरकरी लगभग 24 डिग्री का, जुपिटर 16 डिग्री का, वीनस 16 डिग्री का, सैटर्न 28.30 डिग्री का और राहु लगभग 12 डिग्री के आसपास है। वहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अगर देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में ही मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, काल पुरुष में वृश्चिक 8th हाउस का लॉर्ड होता है। 8th हाउस में जो संघर्ष है, 8th हाउस की जो परेशानी है, 8th हाउस का जो आत्मबोध है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में स्पष्ट दिखाई देता है, संघर्ष, ठीक है ना। और प्रज्ञा चक्षु, उसी चीज़ को बहुत गहराई से जानना, वो सब दिखाई देती है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, वो जी जिनपिंग की कुंडली में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों की कुंडली बहुत मजबूत है, हम ये नहीं कह सकते कि इनकी कुंडली ठीक नहीं है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की कुंडली पर्याप्त मात्रा में मजबूत है, तभी इतनी ऊंचाई तक दोनों पहुँचे हैं। 19-20 नहीं, लगभग 19-19 का ही है, 19-20 नहीं है दोनों। अभी चर्चा करते हैं कि दोनों की कुंडली में महादशा, अंतरदशा और गोचर क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए,
झी जिनपिंग की कुंडली में खस्टेश शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सप्तमेश होकर धन भाव में बैठा है, तो व्यापार में तो बहुत लाभ देगा। क्या? व्यापार में बहुत लाभ देगा, और चाइना व्यापार में बहुत अच्छा चल भी रहा है। वहीं खस्टेश होकर सेकंड हाउस में बैठने से दुश्मन धन हानि, परिवार हानि, निजत्व में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मतलब अब जो समय चाइना का आया है, वहाँ पे उसको परेशानी पैदा होगी, उसके अपने लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और जिससे जिससे सत्ता ले रहा है उससे भी प्रॉब्लम उसको क्रिएट होगी। वर्तमान में देखें तो उनके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, और मंगल में शनि 8 मई 2019 के बाद आ चुके हैं। 8 मई 2019 से 27 जून 2020, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस बीच में ये बहुत से लोगों को शत्रु बनाएंगे, बहुत से लोगों को अपने कर्मों की वजह से शत्रु बनाएंगे, और उसका परिणाम दीर्घकालीन तक भोगना पड़ेगा, क्योंकि शनि वर्तमान में मकर में ही गोचर कर रहे हैं, जो इनके कुंडली में मार्केश का रोल अदा करेंगे। 6th हाउस में रन कर रहे हैं, लेकिन असर देंगे 7th हाउस का, क्योंकि 15 माह शनि अपनी दूसरी राशि का फल देगा। तो इनके लिए आने वाला समय संघर्ष का है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, अच्छा दोनों में एक खास बात और बताऊं आपको, दोनों शनि के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। जी जिनपिंग जो है पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, शनि का नक्षत्र है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो भी शनि का नक्षत्र है, तो दोनों शनि प्रधान है। मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लगन, लगन में ही मंगल चंद्रमा बैठा हुआ है, तो रिजिड नेचर हैं, जिद्दी हैं, जो ठान लेंगे वो करते हैं। चंद्रमा ऊपर से शीतलता प्रदान कर दे रहा है, नीच भंग राज योग में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो उतना दिखाते नहीं जितना करते हैं, दिखाते नहीं, अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों को जो कुछ चाहिए पूरा चाहिए, खंड खंड नहीं चाहिए। आप अगर देखें तो जब इनको गुजरात में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हमें चाहिए तो जिम्मेदारी पूरी चाहिए, जो चाहिए पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। ये वृश्चिक लगन की खासियत है, जो चाहिए पूरा चाहिए। उसके पश्चात अप्रत्याशित निर्णय, देखिए किसी को पता नहीं था यूपी में योगी आदित्यनाथ को अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, किसी ने संभावना भी व्यक्त नहीं की थी कि बना देंगे। जम्मू कश्मीर 370 हो गई या सर्जिकल स्ट्राइक, अप्रत्याशित निर्णय, एक बार सेना ने किया, दूसरी बार किसी ने सोचा भी नहीं था कि वायुसेना करेगी, वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो आदरणीय मोदी जी की कुंडली अप्रत्याशित निर्णय लेने वाली है, किसी को नहीं पता होगा वो जो निर्णय लेंगे, लास्ट मोमेंट में कुछ लोगों को ही पता होगा, जिनको काम करना है उन्हीं को पता होगा, और किसी को पता नहीं होगा। वर्तमान में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अधिकांश ग्रह वक्री चल रहे हैं। क्या? अधिकांश ग्रह वक्री चल रहे हैं। वक्री का मतलब क्या है? उल्टा प्रतीत होते, चल तो रहे हैं सीधा, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि उल्टे चल रहे हैं। इसलिए वर्तमान में सभी राष्ट्राध्यक्षों को, वहाँ की सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, वो मीडिया उल्टा खबर देगी, सही खबर नहीं देगी, चाहे वो जी जिनपिंग जी हों या आदरणीय मोदी जी हों, उनके कैबिनेट या उनकी मीडिया या भारत में जो मीडिया है वो सही खबर नहीं देख पा रही है, सही खबर बता नहीं पा रही है, ठीक है ना, वो बिल्कुल हवा में बात कर रही है, क्योंकि ग्रह उल्टे प्रतीत हो रहे हैं, है नहीं प्रतीत हो रहे हैं, तो प्रतीतात्मक ढंग से पकड़ के मीडिया भी बात कर रही है, तो भारत में जो माहौल बना जा रहा है वो सही नहीं है, या चाइना में जो माहौल बन रहा है वो सही नहीं है। वास्तव में सभी लोग इस समय सच्चाई से दूर हैं, तो सच्चाई के करीब कौन है? मंगल। मंगल वक्री नहीं है, मंगल बिल्कुल गुरु के घर में है, गुरु वक्री हैं लेकिन उच्च जैसा फल देंगे, तो मंगल और गुरु दो लोग सही डिसीजन देंगे, लेकिन जब इनकी डिसीजन सुनी जाए तो देश में सेना सही डिसीजन देगी, सेना के प्रवक्ता नहीं, सेना सही डिसीजन देगी कि हमारे पास ये चीज़ें, हम ये तैयारी किए हुए हैं, हम ये कर सकते हैं। लेकिन इनकी बात, क्योंकि गुरु निम्न का हो गया है, बुध वक्री हो गया है, और बुध जो मीडिया का प्रभाव, मीडिया का काम करता है, तो मीडिया इतना इसको वक्रत्व माने टेढ़ा बता देगा, उल्टा बता देगा, कि लोग उनकी बातों को भी इग्नोर कर देंगे, जिनकी बातें सुनी जानी चाहिए। तो
अगर मेरा वीडियो आगे तक पहुंच सके तो सेना की बात सरकार सुने। सेना को सही स्थिति की जानकारी है, ना कि मीडिया को। सेना वस्तु स्थिति से अच्छी तरह अवगत है, उसको अपनी रेंज और शत्रु की रेंज दोनों का अनुमान है, दोनों को वास्तविक स्थिति का पता सिर्फ सेना को है, ना तो सरकार को है ना मीडिया को है। क्योंकि ग्रह सभी वक्र हो रहे हैं, इसलिए सभी लोग भ्रम में हैं, तो ज़्यादातर लोग भ्रम में जी रहे हैं। तो इस भ्रम से जितना जल्दी उभरेंगे उतना अच्छा होगा। मोदी जी के कुंडली में अभी दशम भाव का जो स्वामी सूर्य है, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। दशम भाव का स्वामी कर्म भाव, काम करने वाले लोग, 14-15 जून को ये गोचर किया अष्टम भाव में, और 14-15 को ही चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण करके 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, वीर गति को प्राप्त हुए। यद्यपि उन्होंने कई को मारा ये और बात है, लेकिन शहादत तो हुई। अब देखिए, अष्टम भाव में ही वर्तमान में राहु भी गोचर कर रहा है और मरकरी भी गोचर कर रहा है। राहु क्या है? चीटिंग का है। राहु एक्स्ट्रा प्लानिंग का है। जो व्यक्ति इसमें एक्स्ट्रा प्लानिंग करेगा, जो व्यक्ति इसमें एक्स्ट्रा चीटिंग करेगा, क्या प्लानिंग बढ़िया करेगा और चीटिंग वाली प्लानिंग करेगा, अंधेरे में काम करेगा, अंधेरे में वार करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ गोचर में सीधे सीधे बता रहा है कि जो इसमें चीटिंग करके काम करेगा, छुपा के काम करेगा, मीडिया में हल्ला मचा के नहीं, वो आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी के कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड जैसे 8th हाउस में गया, ये दुर्घटना घटी। अब प्रतिफल क्या होगा? क्योंकि मोदी जी वर्तमान में उनकी कुंडली में जो महादशा चल रही है, वो महादशा मंगल की रन कर चुकी है, और मंगल अपने स्टार्टिंग के जो 4 साल होगा, मंगल स्टार्टिंग के 3.5 साल, ठीक है ना, 3.5 साल जो होगा वो खष्टम भाव का फल देगा, ठीक है ना, शत्रु का। अब मंगल क्योंकि यहाँ पे लगन में ही बैठा है, इसलिए शत्रु दमन होगा। ये मंगल पिछले साल जुलाई में आ गया था, ठीक है ना। अब ये मंगल वहाँ के बाद बड़े बड़े डिसीजन लेना शुरू किया, 370 को हटा देना, राम मंदिर की प्रक्रिया को आगे बढ़ जाना, और सीए लाना, ये सब बड़े बड़े डिसीजन हैं। तो आने वाले 3.5 साल में सर्वाधिक बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, अप्रत्याशित डिसीजन। जम्मू कश्मीर में 370 काटना किसी ने सोचा था क्या? अप्रत्याशित डिसीजन है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े डिसीजन आदरणीय मोदी जी लेंगे और वो सक्सेस भी होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल लगन में ही बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, इसलिए उनके डिसीजन कभी भी खराब नहीं जाएंगे। मंगल 8th हाउस का काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस का प्रभाव लेके बैठा हुआ है, इसलिए उनके जो निर्णय होंगे बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा मंथन के पश्चात निर्णय लिए जाएंगे। अब आते हैं क्या भारत चाइना पे क्या होगा, भारत चाइना पे क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बोल दिया है रिजिट नेचर, ठान लिए वो करेंगे। शी जिनपिंग की कुंडली में 11th भाव में सूर्य बैठा हुआ है बुधादित्य योग बना के। आदरणीय मोदी जी के कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है, दोनों के कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है, ठीक है ना। दोनों के कुंडली में सूर्य और मंगल बलवान है, चाहे शी जिनपिंग हो चाहे आदरणीय मोदी जी हो। अभी शी जिनपिंग की कुंडली में क्या है कि इनका जो शनि है निगेटिविटी पैदा कर रहा है, इनके अपने लोग चीटिंग करेंगे, इनके सपोर्टर लास्ट मोमेंट में हाथ खींच लेंगे। नरेंद्र मोदी जी कुंडली में क्या है, नरेंद्र मोदी जी कुंडली में ये है कि इनके में जो बुध है शनि केतु के साथ, बुध शनि केतु के साथ, तो जो साथ में काम करने वाले लोग हैं और पार्टियों को काम करना चाहिए, वो निम्नता में हो गए, नीचता में चले गए, माने वो चीटिंग में जाएंगे, वो चीटिंग करेंगे क्योंकि अपने से 8th हो गए। वर्तमान में जैसे गोचर सूर्य का बढ़ेगा, 15 डिग्री के आसपास सूर्य आ जाएगा, ये डिसीजन सरकार लेगी और जो निर्णय लिया है चाइना ने इसका प्रतिकार करेगी। आप मान के चलिए कि जुलाई 1st वीक में प्रतिकार मिल जाएगा, जुलाई 1st वीक में प्रतिकार होना सुनिश्चित है, ये कुंडली बोल रही है। ये स्थितियाँ कब तक चलेंगी? क्या भारत चाइना युद्ध हो जाएगा? नहीं होगा, छोटे मोटे हमले होंगे, छोटे मोटे हमले चलेंगे। कब तक चल सकते हैं? 15 अगस्त तक। स्थितियाँ 15 अगस्त तक तनावपूर्ण रहेंगी,
16 अगस्त के बाद स्थितियां कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी और फिर कंट्रोल में हो जाएंगी। तो बड़ा फॉल्ट कुछ नहीं होने वाला है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी झड़प हो सकती हैं, ठीक है ना। वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, हम उनके ऊपर एक एक पार्ट पे आक्रमण करेंगे, बड़े पार्ट पे नहीं, छोटे छोटे पार्ट पे आक्रमण होगा। ऐसी स्थितियां ग्रहों की बनी हुई है। आदरणीय मोदी जी की कुंडली में इसी साल से राहु रन कर रहा है, राहु रन कर रहा है, राहु वर्तमान में 8th हाउस में ही चल रहा है, इसलिए उनको विरोध का सामना बहुत करना पड़ रहा है। ये सितंबर में राहु जैसे मूव करेगा 7th हाउस में आ जाएगा, यहाँ से सारी परेशानियाँ डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, माने सारी परेशानियों पे मोदी जी विजय प्राप्त कर लेंगे। किंतु फिर भी भारत में रहने वाले लोग, कौन, स्त्री पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं चाइना से, ये स्थितियाँ 15 अगस्त के बाद हमारे पक्ष में या विश्व के पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी और तनाव कम होना शुरू हो जाएगा। जो युवा है अभी, इसका प्रतिकार जुलाई 1st वीक में ले लिया जाएगा, ऐसी ग्रह स्थिति कह रही है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वो ये बता रही है कि किसी भी कंडीशन में मोदी जी झुक नहीं सकते। 8th हाउस का स्वभाव लेके मंगल बैठा हुआ है, बोलता है मृत्यु संभव है, मरना पसंद करेंगे लेकिन सम्मान खोना पसंद नहीं करेंगे। तो मोदी जी वहाँ तक जा सकते हैं देश के लिए, लेके देश को लेके, या देश के लिए मोदी जी मरने मारने तक के, खुद के मरने मारने तक के लिए उतारू हो सकते हैं। लेकिन जी जिनपिंग को जैसा लगेगा कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई हैं, क्योंकि उनका लग्न जो है वो बैठा हुआ है बुध के साथ, बुध के घर में बैठा हुआ है, वो अपने व्यापार को देखेंगे, धन को देखेंगे। तो जहाँ जी जिनपिंग को लगा कि मेरे धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मेरा व्यापार डैमेज हो जाएगा, वहाँ जी जिनपिंग एक कदम पीछे चले जाएंगे तुरंत। उनके लिए महत्वपूर्ण है उनका पैसा, उनका महत्वपूर्ण है उनके लिए उनका व्यापार। तो जैसे उनके व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे उनको लगेगा हम आर्थिक रूप से नुकसान में जाएंगे, वो फट से 2 कदम पीछे चले जाएंगे, अनिर्णय की स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी की कुंडली में ऐसा नहीं है, जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, और इसमें उनको भाग्य का सहारा मिलता है, इष्ट का सहारा मिलता है, धर्म का सहारा मिलता है और ईश्वरीय कृपा मिलती है। क्योंकि नवम का स्वामी लगन में मंगल के साथ ही बैठा हुआ है, जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सोच विचार कर निर्णय लेंगे। और सबसे खास बात यह है कि उनके किसी भी निर्णय पे जनता जो है सपोर्ट करेगी। अगर मोदी जी युद्ध के लिए हुंकार भर देंगे तो पूरी जनता पीछे पीछे चल देगी, लेकिन जी जिनपिंग के लिए ऐसा नहीं है, उनकी जनता वर्तमान में प्रतिकार कर रही है, क्योंकि अपने से अष्टम है, अपने से अष्टम है, प्रतिकार कर देगी। लेकिन मोदी जी के साथ ये पॉजिटिव है कि इनके साथ पूरी जनता चल देगी, देश चल देगा। राहु बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो जो उच्च वर्ग, जो विचार करने वाला वर्ग है, ठीक है ना, जो भारत में तथाकथित बौद्धिक वर्ग हैं, जो नपुंसकता को प्राप्त हो चुके हैं, जो देश विरोधी हो चुके हैं दरअसल, वो विरोध करेंगे, क्योंकि वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। और इस विरोध में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भी होगा, वो समाज से अलग थलग कर दिए जाएंगे। तो दोनों कुंडलियों का, भारत की कुंडली, चाइना की कुंडली, और जी जिनपिंग की कुंडली, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, आज हमने 4 कुंडली वर्तमान में हमने गोचर कुंडली देखा है कि गोचर की स्थिति क्या कह रही है। तो ऐसा कुछ बड़ा फॉल्ट होने वाला नहीं है, छोटे मोटे चीज़ होंगे। मीडिया चूँकि हंगामा ज़्यादा कर रही है, मीडिया का तपस चले तो तोप लेके सीधे चाइना पे चली जाए, जबकि उनको करना कराना कुछ नहीं है। तो मीडिया हंगामा ज़्यादा खड़ा कर रही है, प्रत्येक देश की मीडिया, क्योंकि वो भ्रम की स्थिति में खुद भी हैं। ग्रह इस समय वक्रत्व को प्राप्त हो चुके हैं, सभी ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमारी मीडिया भी उल्टी चलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर ये प्रतिकार, ठीक है ना, हमें तो कुंडली के अनुसार जुलाई 1st वीक में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये प्रतिकार कहीं 15 जुलाई के बाद गया तो 100% भारत के पक्ष में ही जाएगा। अभी जो प्रतिकार जाएगा वो भी भारत के पक्ष में, जैसे सूर्य 15 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, भारत के पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे, माने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर प्रतिकार करना है तो 1st जुलाई के बाद प्रतिकार करें। अगर 15 जुलाई के बाद प्रतिकार करते हैं तो निश्चित रूप से भारत चाइना पे वर्तमान में, माने जी जिनपिंग की कुंडली में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली प्रभावी हो रही है। वर्तमान ग्रह स्थिति ऐसी बता रही है कि भारत का जो नेतृत्व है वो चाइना के नेतृत्व पे प्रभावी होगा,
भारत इस समय अपने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रेपुटेशन अच्छी बना रखा है, उसकी मैत्री संबंध बहुत अच्छी है। गुरु निम्न के तो हैं लेकिन वक्र के हैं, क्या वक्र के हैं, इसलिए कूटनीति जो होगी वो उच्च जैसी होगी, उच्चता प्राप्त कराने वाली होगी। ऐसी कूटनीति ये लोग करेंगे जिससे शत्रु जो है हाथ खड़ा कर देगा। तो ये मैंने कुछ आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आने वाले समय में हम जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चर्चा करेंगे। आप भी कुंडली बना के देखिए, अपने सुझाव दीजिए, ये मेरा अपना मानना है। और एक मज़े की बात बताऊं, आने वाले समय में भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व लगातार करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये 24/4/2021 के पश्चात अभी जो समस्याएं हैं कोरोना से रिलेटेड, या ये अभी चाइना से रिलेटेड, या आने वाले सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान से रिलेटेड परेशानी भी बढ़ेगी, इन सारे परेशानियों से निजात मिलते मिलते हो सकता है एक दो बिल भी ऐसा लेके आए जिससे कि फिर शाहीन बाग जैसा कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इन सारी परेशानियों को दूर करते करते 24 अप्रैल के बाद जो भारत का विकास है त्वरित गति से होगा, और 24 के इलेक्शन के बाद 29 तक ये मोदी जी की कुंडली क्लियर दिखाई दे रही है कि भारत का नेतृत्व तभी आने वाले समय में ये कर रहे हैं और भारत को एक ऊंचाई पे लेके जाएंगे। क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में 9 मेष और 10 मेष शनि 5 साल के लिए आए हैं, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 23 जनवरी को। तो अभी जो संघर्ष चल रहा है ग्रहों की वक्रत्व को लेके या ग्रहों की पोजीशन को लेके, लेकिन ये पोजीशन सितंबर के बाद ठीक है ना बिल्कुल चेंज हो रही है, तो वहाँ से भारत की गति तीव्र होगी। लेकिन परेशानियाँ हमारे भारत में अप्रैल 24 अप्रैल तक, 23 अप्रैल 24 अप्रैल तक हैं, उसके पश्चात हमारी भारत की गति बहुत त्वरित गति से काम करेगी। इसलिए वर्तमान में हम सबका ये कर्तव्य है कि देश और सरकार साथ में सेना का हर तरह से सपोर्ट करें। इस समय ना तो आपको सरकार से क्रॉस क्वेश्चन करने चाहिए, ना तो सेना से क्रॉस क्वेश्चन करने चाहिए। ये भारत और चाइना का जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट होने दीजिए, पाकिस्तान के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होने दीजिए, उसके बाद आप अपने सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेना से क्वेश्चन करने का आपको हक नहीं है। सेना जहाँ पे 24 आवर्स काम करती है वहाँ पे आप पैर रखने की हिम्मत नहीं रख कर सकते। एक दिन आपका जीना दूभर हो जाएगा जहाँ पे सेना 24 घंटा 365 डेज आपके लिए वर्क करती है। आप लोग वही लोग हैं जो बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन अगर रेलवे में एक सिपाही विदाउट टिकट हो तो आप लोग सीट देने से कतराते हैं। तो राष्ट्रभक्ति की सिर्फ बात मत करिए, राष्ट्रभक्ति अपने अंदर जगाइए, अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपने सेना का और अपने सरकार का सपोर्ट करिए। आवश्यकता है सपोर्ट का। युद्ध जैसी स्थिति बनने के पश्चात जो लोग सरकार का और सेना का सपोर्ट नहीं करते उनके खिलाफ खड़े होते हैं वास्तव में वो देशद्रोही कहलाते हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी, जब समय आएगा, तब आप सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत सेना से परेशानी है, सेना के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सेना के लिए और सरकार के लिए आप सपोर्ट करना चाहिए, यही राष्ट्रभक्ति है। फिर आपसे किसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, तब तक राधे राधे। कमेंट करके बताइए, आप खुद इन चारों कुंडलियों को एनालाइज करिए, जहाँ पे त्रुटियाँ हो रही वहाँ पे बताइए, या आपको सुधार करके हमें कमेंट करके बताइए। तब तक राधे राधे।